हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, एक नया बायबैक आ चुका है जुलाई मंथ का। ये थर्ड ऐसा स्टॉक है जिसने क्या बायबैक यहाँ पे लाया हुआ है। बाकी तो हमने ऑरोबिंदो फार्मा आई थिंक सो उसका बायबैक का हमने अपडेट ऑलरेडी आपको दे दिया है। एंड सेकेंड आई थिंक सो केरी डीएल था, काफ़ी बढ़िया वो बोल सकते हैं, वो बायबैक है, उसमें आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। थर्ड यहाँ पे वेलस्पून लिविंग, ये कंपनी क्या यहाँ पे एक बायबैक ला रही है। एंड बायबैक के इसके डिटेल्स प्लस इसके रिकॉर्ड डेट भी इसके आ चुके हैं, वो भी क्या है 24 जुलाई को शाम के टाइम पे इसका क्विक अपडेट भी आया हुआ है। इफ अगर आप यहाँ पे इसका अपडेट देखने जाओगे ना, सो अपडेट इसकी ये आए हुए हुए हैं कि सिक्योरिटी नेम कंपनी का वेलस्पून लाइविंग लिमिटेड है, इशू टाइप टेंडर ऑफर है। एंड यहाँ पे इफ अगर आप देखने जाओगे सो कंपनी यहाँ पे कितने शेयर्स बायबैक के लिए एक्सेप्ट करेगी, लगभग कितना 12,06,55,970 करोड़ के आसपास लगभग कंपनी क्या है यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि इतना क्या शेयर्स क्या बायबैक के लिए कंपनी एक्सेप्ट करेगी। इश्यू साइज अमाउंट 278.43 करोड़ का दिया हुआ है। बायबैक प्राइस 220 पर शेयर है। इफ अगर आप कंपनी का करंट प्राइस भी देखने जाएंगे ना, करंट प्राइस अभी जो इसका है 177 चल रहा है, जो कि लगभग यहाँ पे देखेंगे सो 24 जुलाई को 3.43 रुपीज अप था। लगभग परसेंटेज वाइज देखोगे सो 1.98% स्टॉक अप भी था। इसके रिकॉर्ड डेट इफ अगर आप चेकआउट करोगे ना, लास्ट डेट टू बाय अ शेयर अगस्त 2 है एंड रिकॉर्ड डेट इसका अगस्त 5 दिया है। सो 5 तारीख आपका लास्ट डेट रहेगा ये शेयर बाइंग करने का। ये शेयर जो है अगस्त 5 के पहले जिसके पास भी रहेगा उसके शेयर ही एक्सेप्ट होंगे फॉर दी बायबैक के लिए। बहुत से लोगों को आई थिंक सो बायबैक का मतलब पता भी नहीं रहेगा, बस सो बायबैक का एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे देती हूँ इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स में। बायबैक मीन्स व्हाट, जैसे कि आप आईपीओ लगाते रहेंगे तो वहाँ पे कैसे आपको आईपीओ लगता है, उसी तरीके से बायबैक मीन्स आपका शेयर आपके होल्डिंग्स में रहेगा। बट जैसे कि आप बायबैक अप्लाइंग करोगे ना, हर एक उसका बोलते हैं ना प्रोसेस जो रहता है ना डीमैट अकाउंट का, एंजल वन का, वो प्रोसेस अलग रहता है। इवन अगर यूट्यूब पे भी जाएंगे सो हाउ टू अप्लाई बायबैक इन दिस कंपनी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रोकर ऐप, सो आपको एक्जैक्टली वहाँ पे मिल जाएगा। सो मैं तो एपस्टॉक यूज़ करती हूँ, एपस्टॉक से लाइक कॉर्पोरेट एक्शन में जाओगे सो वहाँ से इजीली आपको दिख जाएगा बायबैक का ऑप्शन। सो वहाँ से बायबैक क्या है अप्लाइंग कर सकते हो। आईपीओ में कैसा लगता है आपको, लग गया वैसे बायबैक में लगता है, बट बायबैक में लगना 101% हो सकता है श्योर। क्यों? क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, अगर आप बायबैक अप्लाइंग करने जा रहे हो सो मिनिमम आपको जितनी क्वांटिटी आप बाइंग करना, लगभग अगर आप सोच रहे हो कि मैं 50 क्वांटिटी बाइंग करूंगा तो लगभग 40 लग जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बायबैक के लिए अप्लाइंग करते हैं एंड मिनिमम इफ अगर आप जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल 10 भी लगा रहे हैं तो उसमें से एक या दो ही एक्सेप्ट होंगे आपके। बट यहाँ पे आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ जो कि 101% वो वर्क होता है, इवन मैं भी उस पर काम करती हूँ। इफ अगर आप नोटिस आउट करोगे ना, अगर हम कैलकुलेशन के थ्रू समझे ना तो आपको इजीली समझेगा। सो जस्ट अ सेकेंड गाइस, हम यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं। इफ अगर आप नोटिस आउट करोगे ना, सो मैंने कितना बोला था 220 बायबैक प्राइस है इसका, ओके, माइनस बाय 177 कर लो, ओके। सो पर शेयर के पीछे अभी बायबैक का जो प्राइस अभी कितना 43 रुपीज़ आपको मिला पर शेयर के पीछे, ओके। उसी तरीके से इफ अगर आप इसमें जाओगे, अगर आपके घर में जैसे कि 8 लोग हैं, 8 लोगों के पास उनका खुद का डीमेट अकाउंट है, नॉट आपका, आपका पैन कार्ड जो है मेन इंपॉर्टेंट, पैन कार्ड के बेसिस पे ही आपको बायबैक मिलता है क्योंकि वो आपका रहता है। इफ अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास 10 डीमेट अकाउंट है अलग अलग ब्रोकिंग ऐप के, वहाँ से अप्लाई करोगे तो एक्सेप्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही एक्सेप्ट होगा आप, ओके। सो घर में 8 लोग हैं तो उनके हो सके तो उनके डीमेट से ही अप्लाइंग कीजिए आप। सो इफ 43 × 8 करेंगे ना, सो लगभग आप इसमें कितना 344 रुपीज़ अर्न कर पाओगे। बट 344 रुपीज़ लाइक इनफ है क्या आपके लिए? नहीं ना। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि ऐसी जो बहुत सी कंपनीज लाइक बायबैक लाती हैं बट उसमें लाइक उतने प्रॉफिट्स हमको मिलते नहीं है, सो आपको लग रहा है कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, वो आपका डिसीजन है। बट अगर मैं बोलूँ मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए क्या, सो मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगी। अगर मेरे पास 20 से 25 डीमेट अकाउंट रहेंगे तभी मैं अप्लाई करूँगी इसमें बायबैक के लिए, क्योंकि यहाँ पे 344 मिल रहा है, बाकी मेरा ब्रोकरेज वगैरह सब कटेगा जो कि 23-24 लगभग 50-60 रुपये काट ही लेते हैं लोग। सो अगर चलो कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, 50 रुपये माइनस भी कर दिए कितना बच रहा है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, हमारा यहाँ पे कितने का प्रॉफिट था, इफ अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 344 था ना, ओके, 344 माइनस बाय 50,
294 रुपीज़ मिल रहा है। सो 294 रुपीज़ तो मैं किसी भी स्टॉक खरीद के पैसा अर्न कर सकती हूँ उतना पैसा डाल के, क्योंकि करंट प्राइस इसका 177 चल रहा है ना। 177 × 8 आठ क्वांटिटी खरीदोगे तो वन इतना आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। वही अगर आप ये शेयर देखोगे ना, इफ़ अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को होल्डिंग करोगे तो उसमें आपका पैसा इजिली बन जाएगा, क्योंकि उतने टाइम में स्टॉक उतना भाग भी सकता है ना। जो 220 इसका वाइक प्राइस है वो उसके ऊपर जा भी सकता है, पॉसिबिलिटीज है। कैसे, अभी कोई भी कंपनी अगर अपना बाय बैक ला रही है ना तो उसमें क्या बोलते हैं ना, उसमें बाइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जिसके कारण स्टॉक ना अपसाइड जाता है। तो अगर आपको एक और आइडिया मेरे पास है, इफ अगर आपको बाय बैक नहीं अप्लाइंग करना रहेगा ना, तो शेयर में इन्वेस्ट कर दो शॉर्ट टर्म के लगभग 2 महीने के लिए। जब तक इसका बाय बैक का चलता रहेगा ना, स्टॉक अपसाइड डाउन होता रहेगा एंड ये अपसाइड जाएगा ही जाएगा। 220 जो इसमें बाय बैक प्राइस है ना वो उसके ऊपर ही जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें बायबैक के लिए इसमें अप्लाइंग करना है या नहीं करना, वो आपका डिसीजन है। बाकी इसके जो अपडेट है मैंने आपको दे दिए। इफ अगर आपके पास नंबर्स ऑफ क्वांटिटी डीमेट अकाउंट है तभी आप इसमें अप्लाइंग कीजिएगा, बाकी इसमें रिटर्न्स तो आपको उतने नहीं मिलेंगे जितने आप इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी डिटेल्स तो मैंने आपको समझा दिए हैं। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।